आप एनिमे से रिलेटेड टैटूज बनाते हो क्या? और जो इधर मैं हाथी बनने का सोच रहा हूँ, वो सोच रहा हूँ मैं कुछ ऐसा, मतलब मैं कहाँ से कहाँ तक आया हूँ तुम खुद देखो। मे भी मैं थोड़ा इमोशनल हो जाऊँ बात करते हुए। मैं ऑर्डर करा था, कैसा आया? ये क्या गोबर है भाई? नारुतो साकुरा भी उधर पता नहीं क्यों। और इधर कौन कौन सी मांग है? वन पीस की मांग है, दीवा से की मांग। आह एक घंटा और मेरे को लेटे दो दिन रहेंगे बिना सोए। Homies, welcome to the 16th vlog of your chat। और आज की वीडियो में जो मैं करने वाला हूँ वो मैं तुम लोगों को तो बिल्कुल प्रेफर नहीं करूंगा कि ये करो, बिल्कुल मत करना। सिर्फ मेरे जैसे चैट लोग कर सकते हैं काम, अगर तुम चैट हो तो भी मत करना प्लीज। और जो मैं करने वाला हूँ वो सुनो, शायद तुम गुस्सा हो जाओ मेरे पे कि युग भाई प्लेस मत करा करो, हेल्थ कॉम्प्रोमाइज मत करो, पर मुझे ना काइंड ऑफ देखना है, आई वॉन्ट टू सी क्या रिजल्ट आएंगे चीजों करने से। सो या मैं करूंगा काम। बेसिकली मैं ये करने वाला हूँ कि मैं अगले दो दिन नहीं सोने वाला, मतलब मुझे कोई अवार्ड नहीं मिलेगा इस चीज का, पर मेरे को वीडियो काम है तो मैं उसके लिए एक दिन नहीं सोऊंगा। मैं अगले दिन नहीं सोता और मैं इन दो दिन पूरी एक्टिविटी करूंगा, बाहर घूम के भी आऊंगा, जिम भी जाऊंगा। देयर इज अ रीजन मैं काम कर रहा हूँ, तुम्हें बात पता लग जाएगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। देखो चाहे मेरी ये बात कितनी भी स्टूपिड हो, पर तुम लोग ट्राई मत करना, तुम लोग स्टूडेंट हो, मैं कर सकता हूँ, पूरा टाइम घर में रहता हूँ। और कुछ हुआ तो हॉस्पिटल भी पास में ही है, नहीं वो चिंता मत करो। वैसे इफ यू आर वंडरिंग अभी टाइम क्या हो रहा है, इट्स 4:40 अराउंड सुबह होने वाली है और अब मैं सोने जाने वाला हूँ। स्क्रिप्ट लिख रहा था, उस पर काम कर रहा था अभी वैसे मैं। और लाइफ के अंदर तुम्हें हमेशा कुछ ना कुछ टेस्ट करता रहना चाहिए। सो लेट्स गो, अभी मैं सोने जा रहा हूँ, मिलते हैं कल। होमीज अ वेरी गुड आफ्टरनून। नहीं मैं 5 बजे नहीं उठा हूँ, मैं सुबह 10 बजे उठ गया था, पर उठते ही काम पे बैठ गया, उसके बाद थोड़ा खाना, ऑफिस का काम, और तब मैं रियलाइज हुआ कि ए सेकंड, मैं तो कुछ चैलेंज कर रहा था। ओ तो टेक्निकली जो मेरा दिन स्टार्ट हुआ तो 10 बजे मान सकते हो, तो 10 बजे से लेके अब तक 5 बज चुके हैं, सो अप्रॉक्सीमेटली मैं 7-8 घंटे हो चुके जगे हुए। और अब तक मैंने अपनी एक शॉर्ट बना ली, थोड़ी शिफ्टिंग में काम कर ली, अभी और करूंगा, पर उससे पहले मुझे 2 जगह कॉल करना है। एक तो मैं टैटू बनवाने वाला हूँ, वो चीज की कहाँ बनवाऊंगा, कैसा होगा, कितना कॉस्ट करेगा, वो कॉल अरे पूछना है। और दूसरा की जो मेरा कस्टम डिपार्टमेंट में सामान अटका हुआ है, मैं तुम्हें ब्लॉक के अंदर बताया था, मेरा गिफ्ट आ रखा है जो बाहर से अटका हुआ है, वो उसको लेकर बात करनी है कि क्या प्रोसेस हुआ वो। सबसे पहले मैं कस्टम डिपार्टमेंट ही फोन नहीं पूछता हूँ कि क्या सब चल रहा है, सो वो देखते हैं। उसके बाद कॉल कब लगेगी? हेलो, देखो लिखा है दिल्ली पोस्ट ऑफिस कस्टम और कॉल लग नहीं रही भाई। कस्टम वाले तो फोन उठा नहीं रहे, अब टैटू आर्टिस्ट से पूछते हैं क्या हाल है उनके। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है या इस समय उपलब्ध नहीं है। मेरा फोन कोई भी क्यों नहीं उठाता है? या तो कोई हर कोई बिजी अपनी जिंदगी के अंदर, या कोई फोन या मान्य है, या ट्र ट्र की जगह ट्र 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 ऐसा हो रहा है। क्यों हनुमान जी क्यों? हेलो सर, मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो मुझे टैटू करवाना है परमानेंट, सो मुझे थोड़ी डिटेल्स चाहिए उसके रिगार्डिंग। आप एनिमे से रिलेटेड टैटूज बनाते हो क्या? एनिमे से रिलेटेड, एनिमे नारुतो वगैरह वैसे? मतलब समझ नहीं पा रहा आपकी बात को। आपने एनिमे सुने कभी? हाँ एनिमे, ANIME, एनिमे। यार एक्चुअली हो सकता है कि मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूँ, मैंने तो हमारे टैटू आर्टिस्ट ने एनिमे तो देखा नहीं कभी, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, अपने काम में बिजी रहते होंगे। सो मैं उनको व्हाट्सएप करता हूँ, देता हूँ क्या सब बात है, क्या अपडेट होती है, देता हूँ कितने का बनेगा। अब मैं 2 जगह सोच रहा हूँ बनवाने का, मतलब अभी तो 1 जगह, बाद में 2 जगह में भी। मैंने जैसे भी कैमरा यहाँ पे रखा और मैंने थोड़ा ऊपर उठा, मैं चेस्ट देखो क्या फाइबर दिख रहा है चेस्ट में मेरे। ओ भाई, तो जो जगह मैंने डिसाइड करा है टैटू बनवाने का, वो पहली जगह तो ये है मेरे इस इधर जगह फोरआर्म पे। मैंने पहले सोचा कि इधर बनवा लेता हूँ, मतलब इस जगह पे, पर इधर ना मेरी वेंस दिखती है बहुत, तो थोड़ी बहुत दिख रही होंगी, अगर टैटू बनवा लूंगा तो वेंस नहीं दिखेंगी वो, जैसे कि देखो थोड़ी बहुत दिख रही है, और अभी पंप नहीं हाथ इसलिए सही से नहीं दिख रहा है, पर जिम के अंदर है बहुत वेंस दिखती है, तो यहाँ बनवा लो तो वेंस छुप जाएंगी, इसलिए मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे या फिर यहाँ पे, इन दो में जगह एक बनाता हूँ। और जो इधर मैं हाथ बनाने का सोच रहा हूँ, वो सोच रहा हूँ मैं कुछ ऐसा ऐसे नारुतो का नाइफ टाइप, कुछ मैं नारुतो बना हुआ है इधर, कुछ दूसरा ऐसा सोच रहा हूँ मैं, वो है इताची का, और इताची का हाथ पे नहीं, इताची का मैं करवाने सोच रहा हूँ अपनी गर्दन पे इधर। मुझे पता है गर्दन काफी सेंसिटिव पार्ट है टैटू करवाने के लिए, बट जो टैटू है ना वो गर्दन में बहुत अच्छा लग गया, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वो है ये इताची की आंखों नीचे बना हुआ है ईगल या फिर क्रो टाइप, मान लो इताची क्रो होते थे, तो ये मेरी गर्दन में जो कितना बढ़िया लगेगा। वैसे अगर तुम्हें कोई बहुत अच्छा एनिमे टैटू के बारे में पता हो, कुछ हो, तो मेरे को भेज सकते हो, या फिर कमेंट में लिख देना एक्जैक्टली वही नेम जिसे सर्च हो रहा है वो चीज, मैं देख लूंगा वो, क्योंकि मैं एनिमे टैटू करवा रहा हूँ और टैटू बार बार नहीं होते लाइफ के अंदर, जहाँ हो गया वो छप जाएगा मेरा वहां पे, तो मैं चाहता हूँ कुछ कर रहा हूँ तो बहुत अच्छा हो कुछ, और मैं चाहता हूँ तो नारुतो में करवाना है मुझे पहला टैटू। तो अपडेट टाइम, मैंने उनको बोला, बताया व्हाट्सएप पे बात करी कि ये एनिमे टैटू बनवाना है, एंड दे आर लाइक इस चीज के पैसे थोड़े ज्यादा लगेंगे,
ये एनिमे का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है भाई, मना कर दिया मैंने। दिल्ली के अंदर बहुत सारी शॉप है, कहीं ना कहीं अच्छा डिजाइन वाला मिल ही जाएगा, जो थोड़ा रेट भी सही लगा है। ये तो बहुत ज्यादा बता रहा था भाई। और है वैसे तुम्हारा चैट फाइनली अब स्नैपचैट पे भी आ चुका है, मैंने स्नैपचैट की आईडी बना ली है बाय द नेम ऑफ चैट व्यू, तो मुझे ऐड कर लेना वहां पे भी तुम। वेल इट्स अबाउट डैम टाइम कि हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करें, 12 बज चुके हैं। मैं इसके बाद जिम गया था और जिम से आया, खाना खाया और अब रिकॉर्डिंग शुरू करने वाला हूँ। एंड आई होप मेरी रिकॉर्डिंग 4 बजे तक खत्म हो जाए। एंड आई जो नो सुन तो वाले हैं नहीं, थोड़ा खेल लूंगा यार, डिस्कॉर्ड में लोग बैठे रहते हैं पूरा टाइम, ज्वाइन कर लो वहाँ, सब पूरे टाइम लोग बैठे रहते हैं, तो अभी रिकॉर्डिंग करना चाहते हूँ। बाय बाय। अभी अराउंड 1:30 हो रहे हैं और मैं काकाशी की रिकॉर्डिंग कर रहा था, और रिकॉर्डिंग इतनी देर हो गई चलते चलते, मैंने नोटिस ही नहीं करा। अभी मैंने उतारा काकाशी सब कुछ, मेरे सर पे काकाशी उसके लाइंस आ चुके हैं। देखो लाइंस देख रहे हो तुम्हें, लाइंस एक काकाशी का सर पे बांधता हूँ बैंड अलग से दो, उसके ऊपर भी उसको वो पड़ चुका है मेरे ऊपर। 4 बज गए और मेरी रिकॉर्डिंग खत्म। मैंने डोंट नो व्हाई मैं सुबह के 4 बजे इतना एनर्जेटिक क्यों फील कर रहा हूँ। आई गेस जब मैं इतनी अच्छी रिकॉर्डिंग कुछ खत्म करता हूँ मुझे बड़ी खुशी मिलती है, और मेरा मन कर रहा है कि बैठ के थोड़ी एडिट करूँ, बट मुझे भूख लग रही है और खाने बस कुछ भी नहीं है, थोड़ा बहुत है वही सब खाने वाला हूँ। वैसे चीज बताऊं, मैं अपने घर वालों को बताने नहीं वाला हूँ अभी कि मैं सोया ही नहीं हूँ, उनको मैं बताऊंगा कि मैं सो गया था, वो व्लॉग में सरप्राइज होने वाले हैं सब, मम्मी पापा जी और भाई। सॉरी मैं अपनी वीडियो एडिटिंग कर रहा था, साथ में डिस्कॉर्ड पे अपने लॉन्डन से बात भी कर रहा था, और मुझे से भी लॉन्डन ने पूछा वॉइस चैट के अंदर कि दिल्ली में उजाला हो गया, एंड आई एम लाइक एक सेकंड क्या टाइम हो रहा है, टाइम हो रहा था 5:30। मैं भाग भाग के गया कि होने वाला, देखा यार हो गया, मैंने मिस कर दिया, रिकॉर्ड होता यार मिस हो गया। पर हाँ, अगर तुम लोगों की मुझसे बात करनी है, डिस्कॉर्ड द प्लेस फॉर यू। मैं डिस्कॉर्ड में बहुत एक्टिव है, लग गया हूँ अब थोड़ा ज्यादा, तो अगर तुम्हें करनी है आ जाना। 5:30 के बाद से थोड़ी बहुत गेमिंग करी ताकि मूड थोड़ा फ्रेश रहे, और थोड़ी एडिटिंग करी, वो तुमने टाइम लैप्स पे देखा। और अभी टाइम हो रहा है 10:30 और मेरा ब्रेकफास्ट भी आ चुका है, वो रहा, सो मैं थोड़ा वो खाऊंगा, थोड़ा ब्रेक लूंगा, कुछ एन वगैरह देख लूंगा, इससे थोड़ा ब्रेक लेता हूँ, खाना खाते हैं और बैक ऑन ग्राइंड। तो अभी 1 बज रहा है और मैं ऐसे ना थोड़ा सोच रहा था कि लाइक मैं अपना वो टाइम सोच रहा था कि जब मतलब मैं कहाँ से कहाँ तक आया हूँ, तुम खुद देखो। मे भी मैं थोड़ा इमोशनल हो जाऊँ बात करते हुए, मैं हो रखा हूँ, मुझे पता है मैं आँखों में थोड़ा आंसू भी आ रखे हैं। मतलब जब मैं पहले वीडियोज बनाता था मेरा बैकग्राउंड खाली होता था, लाइक देर वॉज अ एम्प्टी बैकग्राउंड, एक ब्लू वॉल है, एक वाइट वॉल है, जिन पर कुछ नहीं है, जिन पर शेल्फ रखे हैं वो खाली पड़े हैं। आज मैंने भर दिया है चीज़ों को, माँ की मैं ढकी हुई आई नो दैट, बट मैंने अपनी वॉल्स भर दी हैं एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। चाहे मैं नींद सेक्रीफाइस करूँ, कुछ भी करूँ, देखिए ना बहुत अच्छा लगता है कि साला उखाड़ लिया कुछ, तो मुझे भी और भी कुछ उखाड़ना है लाइफ के अंदर, बट अच्छा लगता है देख के यार कहाँ तक पहुँच गया तू, अभी तूने क्या कुछ कर दिया, तू कुछ था नहीं ना, तू कुछ कर पाता था, तेरे मार्क्स जाते थे ना, तू एग्जाम में फेल होता था कभी कभी, तेरे कोई बात करने वाला नहीं था, तू कहाँ पहुँच चुके, तेरे फैन पेज है, तेरे को लोग देखते हैं, वो तेरे एडिट बनाते हैं, वो कंसिस्टेंट है इतने, तेरे डिस्कॉर्ड पे लोग हैं, वो मैं इतना प्यार करते हैं, तुम्हें पता है मैं, मुझे लोगों को पता है मैं सो नहीं रहा हूँ, मुझे पता है मेरा आँखों से आंसू आ रहा है, कोई नहीं मैं आज सोया नहीं, मेरे सर्वर में रोज मुझे बोलते हैं कि तबीयत कैसी है भैया, कैसे हो सब लोग वहाँ पे, जो भी है मैं सबके नाम लेने बैठा, बहुत लोग बन जाऊँगे, बट एवरीवन केयर्स फॉर मी उधर, सब करते हैं, मेरे पेरेंट, मेरे जो भी क्लोज वंस हैं सब लोग, मतलब एक बड़ा पॉजिटिव फील होता है कि जो कर रहा अच्छा कर रहा हूँ शायद मैं, बहुत लोगों की भी बहुत हेल्प होती है, मुझे बहुत DMs आते हैं कि भैया आपकी वीडियो ने बहुत हेल्प करी है। आई नो मैं इमोशनल हो रहा हूँ थोड़ा यार, देखो ठीक है हो जाता हूँ, नहीं करता मैं ऐसी बातें कभी, बट हाँ अच्छा लगता है कभी कभी ऐसा बातें करके भी। चलो कोई नहीं, खैर मैं लगता हूँ बस एडिटिंग के ऊपर, क्योंकि मेरी एडिटिंग अभी बाकी है और मुझे लाइफ के अंदर रुकना नहीं है, मुझे बहुत कुछ उखाड़ना है अभी, आई हैव टू कीप ऑन गोइंग, चाहे कुछ भी हो मैं जा रहा हूँ एडिटिंग के ऊपर। और मैं थोड़ी देर के अंदर मैं बाहर जाऊँगा शायद से, बारिश हो रही थी वैसे अभी, और देखते हैं बाहर जाऊँगा तो तुम्हें थोड़ा बाहर के मूवमेंट दिखा दूंगा, थोड़ा फ्रेश होने जाऊँगा, तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर के अंदर। देखो मैं बाहर आया था और मेरा ऑर्डर नंबर है 167 और जो बोर्ड है वह 167 है ही नहीं, क्यों? देखो मैकफ्लरी ऑर्डर करा था, कैश आया, ये क्या गोबर है भाई, ये क्या गोबर मिला है मेरे को। मैं मैकडोनल्ड लगा था, पर मैंने यहाँ पे बहुत बढ़िया आर्ट देखा, ये देखो नारुतो, अब दिख रहा है वो नारुतो साकुरा भी उधर, पता नहीं क्यों कितना सिक आर्ट लग रहा है, नारुतो टीम 7 मतलब प्रकाशी नहीं इधर, बस बंदा नारुतो सासुके और साकुरा वो क्यों है यहाँ पे, और देखो वहाँ पे वो मनी हाइस्ट और यहाँ पे फ्रंट भी बना है, 6 के 6 के बने हुए हैं। देखो मैं बुक स्टोर पे खड़ा हूँ बाहर, और देखो कौन कौन सी मांगा है, वन पीस की मांगा, I'm back home और मेरा कोई वेलकम कर रहा है, स्वीट वेलकम बहुत ज़्यादा, माँ बोए।
यो टाइम मेरा कुछ 10 बज चुके हैं और मैं कल 10 बजे सुबह से उठा हुआ, तो आज सुबह 10 बजे का मिला के होगा 24 आवर्स, और अब 10 मतलब 12 और ऐड कर दो तो 36 आवर्स हो चुके हैं। आई एम अवेक और मैं जैसे भी जिम से होके आया, मैं वहां से आया था बाहर से, तो मैं आखिर रिकॉर्डिंग करना ही भूल गया। मैं जिम में आता रहा सीन, रिकॉर्डिंग तो करी नहीं मैंने और मेरी एडिटिंग अभी तक पूरी नहीं हुई है, बट आज सैटरडे को मैं करने वाला हूँ मेंबर ओनली लाइव स्ट्रीम, पर उससे पहले डिनर हो जाए। डिनर मेरा हो गया था, मैं थोड़ा प्रिपेयर कर रहा है क्रिएटिन और मैं ऊपर जा रहा हूँ मेंबर ओनली लाइव स्ट्रीम करने। स्ट्रीम इज ओवर और अभी अप्रोक्सीमेटली 2 बज रहे हैं, और अगर मैं आज भी नहीं सोया और 8 घंटे और उठा रहा तो मैं टोटल मिला के एग्जैक्टली 48 आवर्स रहूंगा विदाउट स्लीप। और देखो ऐसा नहीं है कि मैं सुबह 10 बजे सो जाऊंगा, एग्जैक्टली मैं कल संडे को भी पूरे दिन उठने ही वाला हूँ, तो टोटल मिला के मान लो तुम कुछ मैं मोर देन 60-70 आवर्स अवेक रहूंगा विदाउट स्लीप। दैट इज अलॉट। देखो आई नो नींद बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्यों माँ की माँ, खासकर मैं ऐसे इंसान जो जिम भी जाता है, इसको रिकवरी, इसको रेस्ट की जरूरत भी होती है और मैं रेस्ट नहीं कर रहा हूँ, तो क्या फायदा रहा मेरे अप्रोक्सीमेटली कुछ 60 घंटे विदाउट स्लीप का। सबसे पहले अगेन प्लीज डोंट ट्राई दिस, तुम्हें ट्राई करने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले क्या मैं टायर्ड है, डिजी फील कर रहा हूँ? बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट मैं कुछ दिनों ज्यादा फील कर रहा था और उन कुछ दिनों में ज्यादा नींद ले रहा था। हाँ, मैं कुछ टाइम से अराउंड 7-8 घंटे सो रहा था और उन टाइम में लेजी फील कर रहा था कि मुझे बहुत आलस आ रहा था। अब अप्रोक्सीमेटली सो ही नहीं रहा हूं, तो मुझे बहुत एक्टिव फील हो रहा है, ये मेरा केस है, ठीक है। मे बी ऐसा इसलिए हो रहा, मुझे हैबिट लग चुकी है कम सोने की, जब मैं ज्यादा सो रहा हूं तो मुझे बहुत आलस आ रहा था और मुझे नहीं आ रहा है। अब टू बी ऑनेस्ट, ये ना सोने ने मेरी हेल्प तो करी रिकॉर्डिंग के अंदर, मेरे यूट्यूब के अंदर, बट सच्ची में ये हेल्दी नहीं है। तो आप मेरी तरह से ट्राई मत करना, मेरे पास खुद के लिए घर देखने के लिए कि मैं कैसा फील करूंगा। एंड टू बी ऑनेस्ट आई फील रियली गुड, बट नींद इंपॉर्टेंट है। अभी हमने रिकॉर्डिंग करने वाला हूँ, रिकॉर्डिंग नहीं एडिटिंग करने वाला, थोड़ी सी बाकी है, उसके बाद थोड़ा बहुत जागने वाला था, जाग सको उस बाद सो जाऊंगा, देखता हूँ जो भी होगा तो पता लग जाएगा। देखो सुबह के 4 बजे तक बैठ के वीडियो एडिट करने का मुझे एक तोहफा मिल गया, वह मेरे वीडियो डलते ग्रीन डॉलर आ गया, उस पर कोई येलो डॉलर नहीं आया। तो हाँ, शायद से आज मैं संडे को वीडियो पुश कर पाऊँ अगर जो ब्रांड है शायद वो हाँ बोल दे, बट हाँ गुड थिंग इज ग्रीन डॉलर आया, येलो डॉलर नहीं आया। यो हमीस, सो राइट नाउ इट्स अराउंड 9, एक घंटा और मेरे को लेट 2 दिन हो जाएंगे बिना सोए। सो मेरा 2 दिन ना सोने चैलेंज कैंडा कम्प्लीट हो जाता है, और टू बी ऑनेस्ट ये कैसा था एक्सपीरियंस, आई कैंट से इट वॉज वर्थ इट, मतलब मेरे काम के लिए बहुत सही था। ऊपर से पास्ट में भी कुछ दिन मैं ज्यादा सो के एक्टिव फील नहीं कर रहा था, पर अब कम सो के मैं एक्टिव फील कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता काम कैसे कर रहे चीज, पर ये काम कर रही है चीज। पर हाँ अब और नहीं, मैं अपना खाना भी ले आया नीचे से, ये खाऊंगा और उसके बाद मैं सो जाऊंगा, मजाक कर रहा हूँ, ये व्लॉग एडिट करूंगा उसके बाद मैं ब्रेक लूंगा, प्रॉमिस। सो मिस ये वाला व्लॉग इतना था, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड आई होप यू एंजॉयड इट। और मुझे बात तो मुझे कुछ लोग गुस्सा होने वाले हो कि व्यूक भाई क्यों हरकतें करते हो ऐसी, जरूरत होने चीजें करना जरूरी नहीं है, आई जस्ट डिड इट फॉर फन, तुम लोग ट्राई मत करना प्लीज। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, बाय बाय।